गिलोन? नहीं भैया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी भाभी, जूस। अरे क्यों, आज भैया ने खास तौर पे तुम्हारे लिए दोबारा निहारी मंगवाई है, खाओ ना। सॉरी बड़े भैया, तुम्हारी फेवरेट है? दिल नहीं है। भैया की खुशी के लिए खा लो थोड़ा सा। नहीं ना, बस मैं जूस पीऊंगी। कोई खास बात है आज क्या? इतना इतमाम किस खुशी में? मुराद के वापस जाने की खुशी में। सॉरी बड़े भैया, मेरा ये मतलब नहीं क्या था। मतलब था तुम्हारा? सॉरी मैं मजाक कर रहा। इडियट, मुंह फटोने की भी कोई हद होती है। जाने देना भैया, सॉरी कह तो रहा है। क्या जाने दे, हाँ पहले घर के बड़े से कोई भी बात कर लो और फिर सॉरी कर लो। साथ रुको, बिगड़ रही है नई नस्ल, बैठो नाश्ता तो करो। नहीं मैं कर चुका हूँ, बिसाइड्स मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सबिया हम बता रहे हैं तुम्हें, क्रिकेटर होगा स्टार होगा तो घर से बाहर, घर में ये एटीट्यूड ये स्मार्टनेस दिखाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या प्लीज प्लीज अब जाने भी दें बात को, कोई और बात कर ले। मन्नत का ख्याल रख ले, शाम को बेचारी चली जाएगी, कम से कम तब तक तो अपना गुस्सा ठंडा रखे। क्या मंतु जा रही है शाम को इतनी जल्दी? क्यों क्यों मंतु, कोई मसला है घर में, कोई तकलीफ है क्या? नहीं भैया, अपने घर जा रही है, तकलीफ की क्या बात है। देखो भाभी, आपकी बात हुई है मुराद से? हाँ मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई आया, कह रहा था आज शाम को तुम्हें पिक करने आ जाए। आर यू श्योर वो आएगा? 100%, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। अच्छा अब तो थोड़ा सा खा लो। लेट्स सी, शाम में आ रहा है, अब तो खा लो भाई। सिर्फ जूस पीऊंगी। सब लोग जो चले गए हैं नाश्ता छोड़कर, कुछ नहीं होता। आप ही देखिए, मेरा ख्याल है कि अब ना हमें मामले को दबाने वाली बात करनी चाहिए। मुराद भाई ने चले जितने ही झूठ बोले या मन्नत ने कितनी ही चलाकियां क्यों नहीं करनी, अब तो शादी हो गई ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुराद ने झूठ बोल के शादी तो कर लिया, अब और क्या करना है? तो क्या करे, शादी तोड़वा दे? इकलौता भाई है हमारा, उनकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते। फैसल भी कल से मुझे यही समझा रहे थे, भले मुराद ने कितने ही झूठ बोले लेकिन खुद को उसकी जगह पर रख के देखो, वो झूठ ना बोलता तो क्या करता। आप कभी कभी मसले तन भी इंसान झूठ बोल ही देता है। फैसल कह रहे थे इस बात का इतना फसाद बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये मसले तन झूठ बोलने के मशवरे फैसल की तरफ से आ रहे थे। याद रखना झूठे की हिमायत झूठा ही कर सकता है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही मैं कह रही हूँ कि वक्ती तौर पे फसाद पड़ने के डर से मर्द झूठ पे झूठ बोलता है और एक दिन पानी सर से गुजर जाता है। मुराद पर इतबार करने का नतीजा तो देख ही लिया, अब शोहर को बिगाड़ के ना सारी जिंदगी पछताने ना बैठ जाना। इतरत, तुमने बहुत अच्छा किया, मामले को मजीद बिगाड़ने में अपनी बहन का साथ नहीं दिया। मुराद की हमें मदद करनी चाहिए। मुराद भाई मेरे तो भाई हैं और उनके फायदे के लिए उनका साथ देना मेरी तो मजबूरी है। आपने किस खुशी में उनकी पर्दापोशी की है? क्या मतलब, कौन सी पर्दापोशी? मतलब ये कि मुझे सब समझ आ रहा है, एक झूठा है ना झूठे का साथ देता है। ये जो इतने परफ्यूम लग रहे हैं ना आजकल, सब समझ आ रही है मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपनी अम्मी की तरह ना परफ्यूम फोबिया हो गया है। तो क्या वो गलत सोचती थी? देख लिया ना अपने नतीजा परफ्यूम लगाने का। ये ज्यादा परफ्यूम लगाना ही फसाद की जड़ है। इन परफ्यूम में डूबे रहते। चले चले। बाय बाय गुड गर्ल, सी यू, बाय। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मेरा बहू पुत्र कहाँ तैयार होके जा रहा है? अम्मी वो मन्नत के घर। क्यों, खैर है? जी खैर ही है अम्मी, उसे वापस लेने जा रहा था। किसकी इजाजत से? अम्मी वो मैं। तुम मन्नत को लेने नहीं जा सकते हो? हेलो, अरे ये क्या कर रही हो? ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, दुल्हे मियां तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। अच्छा भाभी, मैंने कुछ कपड़े और कुछ बुक्स निकाल कर यहाँ रख दिए हैं, आप किसी को दे दीजिएगा, बाकी ये वाला जो सारा सामान है ये मैं ले जाऊंगी। इसमें वेयर इज द एक्साइटमेंट? लड़कियां तो इतनी एक्साइटेड होती है ससुराल जाने के लिए। व्हाट्स विद द लॉन्ग फेस? सब ठीक है? पता नहीं भाभी, ठीक है या गलत, but things are not the way I imagined. देखो मेरी बात सुनो भाई, नया घर है, हर लड़की के लिए एडजस्टमेंट होती, पर तुम तो इतनी लकी हो भाई, तुमने तो मुराद को खुद चूज किया है। अभी यही तो सारा मसला है कि मैंने उसको खुद पसंद किया है, उससे बहुत प्यार करती हूँ, but he's just not, वो है ही नहीं वैसे वैसे मैंने सोचा था। क्या मतलब? Doesn't he love you? No, he loves me. लेकिन सिर्फ मुझे नहीं ना। अच्छा, देखो भाई ये तो तुम्हें पहले से ही पता था। You knew this, right? अकलौता बेटा, अकलौता भाई है, अपनी माँ और बहनों से बहुत अटैच है, तुम्हें अंदाजा तो था? बस मुझे अंदाजा था, और यही चीज तो मुझे उसकी पसंद आई थी कि वो अपने रिलेशनशिप्स को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। He is so sensitive about them. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन रिश्तों को चलाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। मजबूरन बोलता होगा, मर्द भी कभी-कभार मजबूर हो जाता है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी सिचुएशन हैंडलिंग बिल्कुल जीरो है। वो एक रिश्ते को संभालते संभालते दूसरे को खराब कर देता है, देयर इज नो बैलेंस, और मुझे नहीं पता कि अब आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। अरे यूर ओवर थिंकिंग इट, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट गिव इट सम टाइम, ठीक है? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ही इज कमिंग टू पिक यू अप। यस नो मे बी ओके, चप 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 चप, लेट्स गो। थैंक यू, बुक सारी मैं करती हूँ।